हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक अच्छी सी और सस्ती सी और बजट वाली टीवी का। नॉट स्मार्ट टीवी, ओनली एलईडी टीवी। तो कैसा है कि इसके अंदर जो ये टीवी है, ये काफी अच्छे प्राइस में अमेजोन पे मिल रही है। शायद से वहां पे या तो फिर कोई स्कीम चल रही है, या तो इस टीवी का प्राइस ही है। इसके भी दो वेरियंट है, 32 कितना है ये, 32 और 24 इंच। तो 32 मैंने परचेस की है, 32 इंच की। तो आज मैं इसके बारे में पूरा का पूरा बताऊंगा, जितना हो सका उतना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये टीवी है विसो वर्ल्ड की, एलईडी टीवी है, फ्रेमलेस है। काफ़ी मैंने इसको खोल के देखा था, मैंने अमेजोन से मंगाया है, और इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें ये चीज़ें अवेलेबल है। HD रेडी विथ 1366x768 मेगापिक्सल विथ रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स। दूसरा है वाइड एंगल व्यू, सॉरी वाइड व्यू एंगल, मतलब कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको और यहाँ से भी देखेंगे तो एकदम बढ़िया से रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ है HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, HDMI पोर्ट टू कनेक्ट द सेटअप बॉक्स। आप इसके साथ कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, आप सेटअप बॉक्स या DVD वीवीडी जो भी आपके पास अवेलेबल है। और इसमें अवेलेबल है 2 USB पोर्ट्स, इसके जिसके अंदर अगर आपको मूवी चलानी हो, के कुछ सॉन्ग सुनना, पेन ड्राइव के थ्रू आप देख सकते हैं। और ट्रू डिस्प्ले, मतलब इसकी डिस्प्ले जो है काफ़ी बढ़िया है, पैकिंग फ्रॉम अ गैमेंट ऑफ इनरेबल कलर्स, मतलब इसके जो है वो ठीक है। इतना कुछ वो HD वाली फीलिंग आएगी, पर आप सोच रहे हो 4K और के वो सब फीलिंग आए नहीं। 32 इंच का टीवी है और ये कंपनी है विसो वर्ल्ड की। तो चलो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। वैसे तो मैं इसे ओपन कर चुका था, अमेजोन से मंगाया था, चेक करना जरूरी था इसलिए। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं फटाफट। तो चलो फिर सब शुरू करते हैं। फटाफट इसे खोल लेते अभी। इसकी पैकिंग भी काफी बढ़िया की गई है। तो यह है 32 इंच की एलईडी टीवी, जो कंपनी है VW की, विशो विजन। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है एलईडी टीवी, HD रेडी, वाइड व्यू एंगल, HDMI, USB पोर्ट, इको डिस्प्ले, टू डिस्प्ले, विजन वर्ल्ड की। चलो अभी इसको उठा के रखते हैं साइड में। अब इसके साथ क्या क्या सामग्री दी हुई है, वारंटी कार्ड और कुछ है और। ये इसका रिमोट और ये इसकी दो टांगे इसको खड़ा रखने के लिए। ये इसका वॉल माउंट स्टैंड, जिससे अगर टीवी को दीवार पे चिपकाना हो तो पूरा कंप्लीट सेटअप साथ में दिया हुआ है। और साथ में इसके स्क्रूज, और इसके साथ आती है जो हर बार चिट्ठिया, यूजर मैनुअल, और ये इसका वारंटी कार्ड। सो बेसिकली दोस्तों, इसकी जो वारंटी है वो 1 ईयर की वारंटी है, और इसका प्राइस अमेजोन पे है 6500 ओनली। 6500 है, मुझे तो लग रहा है काफी बढ़िया टीवी है। चलो अब इसको कोथड़ी से अनबॉक्सिंग करते हैं। दिखने में तो काफी बढ़िया लग रही है,
तो अभी मैं इसमें बताता हूँ इसमें क्या क्या टाइप के पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये इसको टंगाने के लिए यूज होता है, और ये जो है दूसरा वॉल माउंट सिस्टम है। यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये दो स्पीकर्स दिए गए इसके, और साथ में ये है रिमोट। तो चलो अभी रिमोट को चालू करें। कहाँ गया इसका बक्सा? सो गाइस टीवी को तो मैंने खड़ा कर दिया, अब इसको करना है चालू। तो ये रहा इसका रिमोट। इसका रिमोट काफ़ी घटिया क्वालिटी का, एकदम GTPL जैसा। एक यूं ब्रेक करो टूट जाएगा। फिर क्या करना है, ये जो इसके पीछे आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको पोर्ट समझा देता हूँ। तो दोस्तों जो इसका पोर्ट है वो अभी तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये इसका पोर्ट है। एक ये USB जो मैंने अभी लगाई हुई है, दो USB पोर्ट दिए हुए हैं, ये AV पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये मतलब DVD वीवीडी कुछ चलाने के लिए काम आता है, ये कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, जो हाल फिलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं मेरे को लगता, पर फिर भी दे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के चैनल का पोर्ट दे दिया गया है, और HDMI 1 और HDMI 2, दो HDMI के पोर्ट्स दे दिए गए। ये COAX कॉक्स आउट, इसका मतलब मुझे मालूम नहीं। और ये वायर पोर्ट है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, शुरू होता है। तो चलो हाल फिलहाल मैं अभी इसको पेन ड्राइव लगा देता हूँ। तो चलो दोस्तों अभी पेन ड्राइव तो मैंने लगा दिया है, अब इसको अपने करते शुरू कि इसमें वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, बास कैसा है। सो गाइस टीवी जो कुछ शुरू होती है वो होती है ऐसे ऐसे तो नहीं होती है। तो अभी मैंने शुरू किया, मैं वापस आपको शुरू करके दिखाता हूँ। ये हमें इस टाइप के सोर्स देखने मिलता है। सबसे पहले होता है ये वाला नो सिग्नल, ऐसे टीवी शुरू होगी। फिर अगर हमें इसका सोर्स चेंज करना, जैसे कि अगर आपको AV करना हो, HDMI करना हो, PCVGA वाला करना हो, या तो फिर आपको USB करना, तो आपको क्या करना, रिमोट में ये सोर्स का बटन दिखेगा, आपको सोर्स का बटन ऐसे दबाना है, और यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। AV, HDMI 1, HDMI 2, PC मतलब VGA, और मीडिया मतलब USB। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मीडिया पे, और करूँगा मैं ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम फोटोज, म्यूजिक, वीडियोस एंड टेक्स्ट फाइल सब चेक कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे वीडियोस, तो ओके दबाया। अब ये जो आप देख सकते हैं सिटी लाइफ ड्रोन, ये एक्चुअली है 4K के ऊपर, 4K इन द सेंस 1080 पिक्सल्स के ऊपर 4K। तो ये 4K जो है ये टीवी सपोर्ट नहीं करेगा, 4K वीडियो नॉट सपोर्टेड। इसमें ओनली सपोर्टेड है 1080 पिक्सल्स वाली। तो यहाँ से बैक करता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ 4K स्टॉक फुटेज। ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये टीवी की क्लैरिटी कैसी है और इसकी वॉइस भी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये टीवी की जो है क्लैरिटी है, ये ऊपर जो है इसके पूरे डिटेल्स आ रहे हैं। रिवर्स प्ले स्टॉप सबका दिया गया। इसका आइडिया नहीं है ये कैसे ऊपर से हट सकता है। हाँ हट गया। तो दोस्तों ये है इसकी क्लैरिटी। चलो तो अब इसकी वॉल्यूम थोड़ी सुन लेते हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं इसकी वीडियो क्वालिटी। जैसे कि इस पेन ड्राइव के अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने 4K भी इसमें डाउनलोड किया हुआ था यूट्यूब से, और 1080 पिक्सल्स भी डाउनलोड किया हुआ था। तो इसमें 4K जो है वो सपोर्टेबल नहीं है, ओनली सपोर्टेबल 1080 पिक्सल्स की वीडियो और उससे डाउन वाली। तो चलो ये वीडियो तो अभी आपने देख ली है, तो अभी मैं इसमें लगाता हूँ म्यूजिक। तो
चलो वापस मुझे इसको बैक जाना है, बैक जाने में मुझे म्यूज़िक सिलेक्ट करना है, म्यूज़िक के बाद मुझे ये वारियो का सॉन्ग है तो इसको मैं पीस कवर कर ओके करता हूँ, गाना शुरू हो जाएगा। सो गाइज ये तो है इसकी वॉइस, अगर ज़्यादा वॉइस बढ़ाई तो मेरे मम्मी पापा मुझे चंपल से मारेंगे, तो इसकी ज़्यादा वॉइस भी नहीं बढ़ा सकता मैं। तो आप देख सकते हैं 32 और 31 के अंदर इसकी वॉइस इतनी सुपर आ रही है, वॉइस के लिए मैं बोलूँ बढ़िया, एकदम बढ़िया सा इसका ऑडियो सिस्टम है, इसमें ड्यूल ऑडियो सिस्टम है। एक तो एक स्पीकर जो है वो यहाँ है, ये रहा, और दूसरा स्पीकर है वो यहाँ है। इसके नीचे है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये 32 के अंदर भी इतनी ज्यादा वॉइस दे रही है, तो अगर मैं 100 करूंगा तो मेरे को लगता है कि पूरे के पूरे मोहल्ले वाले उड़ जाएंगे। दोस्तों अभी मुझे म्यूजिक जो है बंद करना पड़ेगा, तो अभी हम जाते हैं पीछे। अरे यार हद हो गई यार, चलो इसकी पेन ड्राइव भी निकाल देता हूँ, पर ऐसे मानेगा नहीं टीवी। तो आप अगर अपने पेन ड्राइव में फोटोज भी डालते हो तो आप फोटोज भी सब कुछ आप इसमें देख सकते हो, मतलब एक ये बजट फ्रेंडली टीवी है। ये इसकी जो डिजाइन है वो काफी स्लिम है, आप देख सकते हो यहाँ से, मुझे इसकी डिजाइन बहुत पसंद आई। सो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप यहां से ये वाले बटन से, सोर्स के बटन से आप यहाँ पे सब चेंज कर सकते हैं, और इसमें काफी सारे बटन्स हैं।